नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके हमारे अपने चैनल में स्कोर प्लेयर। दोस्तों दोस्तों आज की जो वीडियो होने वाली है, इस वीडियो में जो यूरोपियन लीग का जो है मैच कवर करने वाला हूँ। 11:25 में जो मैच होने वाला है, इस मैच को जो हम कवर जो मैं करूँगा, क्लब ब्रज वर्सेज मैन यूनाइटेड के बीच में जो है दोस्तों ये मैच होने वाला है। राउंड 32 है, लेग वन ऑफ लेग टू जो है ये मैच जो है होने वाला है। वहीं अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आपको लाइनअप की, तो अभी जो है लाइनअप नहीं आया है दोस्तों, क्योंकि मैच को स्टार्ट होने में जो है टाइम है। तो लाइनअप जो आपको जो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जो है मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक मैं प्रोवाइड कर दिया हूँ, अगर आप लोग नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएगा। दोस्तों बात करूँगा स्टेडियम की, तो यहाँ पे जैन ब्रिलियंस स्टेडियम है, जिस स्टेडियम में जो हमारा जो आज का जो है यहाँ पे जो है मैच होने वाला है दोस्तों, यूरोपियन लीग का जो मैच होने वाला है वो मैच होगा आपका जो है जैन ब्रिडली स्टेडियम में। तो यहाँ पे मेन चीज़ आती है दोस्तों, क्या जो है न्यूज़ चल रही है। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे कुछ न्यूज़ जो है आपको जो है डिस्प्ले में दिख रही होगी, अगर आप में से किसी को भी ये न्यूज़ जो है रीड करनी है तो आप जो है स्क्रीन को जो है पॉज करके जो है दोस्तों जो है देख सकते हैं। फिर आती है हमारी मेन चीज़ आती है अपडेट्स की। तो टीम अपडेट करने से पहले आपको बता दूँ, ये जो है ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो यहाँ पे आपको जो है @DreamElevenScorePlayer सर्च करना है तो आपको जो है हमारा चैनल जो है मिल जाएगा। 1.5K की जो है फैमिली हो चुकी है। अगर आप भी इस फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं दोस्तों, तो टेलीग्राम पे जो है ज़रूर जुड़ जाएं। टेलीग्राम पे जुड़ना आप लोगों के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे आपको क्रिकेट्स की टीम अपडेट जो है मिल जाते हैं, हम कौन सा मैच कवर कर रहे हैं उसके जो अपडेट जो है मिल जाते हैं। फिर आपको जो है दोस्तों यहाँ पे आपको जो है लाइनअप मिल जाएगा, टीम प्रोवाइड हो जाएगी, विनिंग स्क्रीनशॉट जो है हर एक मैचेस के विनिंग स्क्रीनशॉट जो है प्रोवाइड कर देंगे। यहाँ पे क्या टीम रही है कल के मैचेस के आप जो है कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे लाइनअप आपको जो है जैसे शो कर रहा हूँ तो लाइनअप आपको शो हो जाएगा। तो यहाँ पे टेलीग्राम पे जुड़ना आप लोगों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे फाइनल टीम अपडेट जो है हमारा जो है टेलीग्राम पे ही जो है मिलता है। बहुत ज़्यादा ईजी है टेलीग्राम पे जुड़ना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नहीं तो अगर आपने टेलीग्राम डाउनलोड कर रखा है तो आप जो है सर्च भी कर सकते हैं @DreamElevenScorePlayer, तो भी आपको जो हमारा चैनल जो है मिल जाएगा। दोस्तों मेन चीज़ आती है हमारे पास जो है क्या प्लेयरों की जो चॉइस आती है, तो यहाँ पे प्लेयरों की चॉइस आपको जो है बता दूँ दोस्तों कि हमारे पास जो है प्लेयरों की जो है क्या चॉइस आने वाली है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है मेन प्लेयर जो हमें जो है देखने को मिल जाएंगे, वो जो लाइनअप में जो जो प्लेयर हैं उन सबका मैं जो आपको अपडेट दे देता हूँ। तो यहाँ पर हम कवर कर रहे हैं यूरोपियन लीग का जो है मैच है, ब्रू वर्सेज MUN के बीच में जो मैच होने वाला है, इस मैच को जो हम जो है कवर करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे मेन चीज़ आती है आपके पास जो है क्या गोलकीपर की चॉइस आने वाली है। तो सबसे पहले बात करूँ गोलकीपर की चॉइस में, तो यहाँ पे जो आपके लिए जो है गोलकीपर की मेन चॉइसेस का अपडेट जो है देता हूँ। उससे पहले आपको बता दूँ कि यहाँ पे अगर आप में से किसी में भी जो डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, तो यहाँ पे जो है ड्रीम इलेवन की साइड से जो है डिस्काउंट ऑफर भी जो है चल रहा है ब्रू वर्सेज हमारा MUN की टीम की साइड से, तो उसमें भी आप जो है ज्वाइन हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो गोलकीपर की बात करूँ दोस्तों, तो गोलकीपर की चॉइस में आपको जो है दो प्लेयर जो है देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं डीडी गिया और एस रोमियो, ये दो ऑप्शन में जो है टॉप ऑप्शन में जो आपको जो है देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आपको जो है एस रोमियो जो है देखने को मिल जाते हैं। तो वहीं अगर बात करें डिफेंडर की, तो डिफेंडर में आपको बी विलियम देखने को मिल जाएंगे। वहीं आपको ए वैन बिस्का आपको जो है डिफेंडर की चॉइस में जो है देखने को मिल जाते हैं, और एच मिंग्रू आपको जो है देखने को मिल जाते हैं। वहीं अगर अदर ऑप्शन बात हो तो यहाँ पे एल शो भी जो आपको जो है लाइन में जो देखने को मिल जाते हैं दोस्तों। वहीं बात करेंगे मिडफील्डर की, तो मिडफील्ड की चॉइस में हमें जो बी फ्रेंड्स देखने को मिलते हैं। बी फ्रेंड्स के बाद हमारे पास एक चॉइस आती है एच वेनब्रिक आपको देखने को मिल जाते हैं। वहीं अगर आपको जो है पी पोगा आपको देखने को मिलते हैं, तो आप पी पोगा को जो है ज़रूर ट्राई करें। तो पी पोगा यहाँ पे जो है गोल फॉरवर्डिंग में जो एक अच्छी चॉइस हो सकती है, अगर ये आपको लाइन में देखने को मिलते हैं तो आपको जो है पी पोगा को जो है ज़रूर ट्राई करना है दोस्तों। वहीं आपके पास आते हैं के डीटा आपको देखने को मिल जाते हैं, और ए पैरिया आपको जो देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे दोस्तों मिडफील्डर के लिए आपके पास जो है ए पैरिया एक अच्छी चॉइस आती है। यहाँ पे अगर बात करें गोल की, तो यहाँ पे असिस्ट करते हुए जो है ए पैरिया आपके लिए एक अच्छी ऑप्शन जो है बन सकते हैं, तो इसलिए आपको जो है ए पैरिया को जो है ज़रूर ट्राई करना है। फिर वहीं बात करूँ अगर मैं फॉरवर्ड की, तो फॉरवर्ड के हमारे पास जो है क्या चॉइस आती है, तो फॉरवर्ड की चॉइस में हमें जो ए मार्टिन जो है देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे ए मार्टिन जो है एक अच्छा ऑप्शन है जो आपको जो फॉरवर्ड की चॉइस में देखने को मिलता है। वहीं अगर आपको जो है एम रेशफोर्ड लाइन में देखने को मिलते हैं, तो आप रेशफोर्ड को जो है ज़रूर ट्राई करना दोस्तों, क्योंकि एम रेशफोर्ड जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर जो होने वाले हैं आज के मैचेज में। वहीं बात करूँ तो डी ओकरे जो हमें जो लाइन में जो है देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे ब्रू की टी की चॉइस है, तो ब्रू की टी की चॉइस हमें जो डी ओकरे जो है देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो है डिफेंडर के लिए जो है एक चॉइस और आती है, या तो आप डिफेंडर में ऐड कर सकते हैं, या तो मिडफील्डर में कोई भी एक प्लेयर जो ऐड करें जो आपको जो है लाइनअप में देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे मोस्टली लोग जो है एमरिट्स के साथ जो है जा रहे हैं, तो मैं जो है एमरिट्स को ट्राई कर सकता हूँ, लेकिन नहीं उससे पहले मैं देख लूँ अगर कोई और अच्छा ऑप्शन हो तो,
तो यहाँ पे हमारे पास एमरेट्स ही जो है देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली लोग जा रहे हैं, तो इसलिए मैं जो इनको जो चूज़ कर रहा हूँ। अगर आप इनमें एडिट कर सकना चाहते हैं तो एडिट जो है कर सकते हैं दोस्तों, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे बात करूँ कैप्टन वाइस कैप्टन की, तो कैप्टन वाइस कैप्टन की बेस्ट चॉइस में आपको जो है ए मार्टिन जो है देखने को मिलते हैं और ए पैरी आपको जो है देखने को मिलते हैं। यहाँ पे इन दोनों के साथ जो है जा सकते हैं। नहीं अगर आप लोग जो हैड टू हेड टीम खेल रहे हैं तो मैं आपको बता दूँ, हेड टू हेड टीम के लिए जो है आपके लिए ये टीम जो है बेस्ट रहेगी। तो अगर आप हेड टू हेड टीम खेल रहे हैं तो आप जो है ये टीम के साथ जो है जा सकते हैं दोस्तों। वहीं अगर आप जो है ग्रैंड लीग खेल रहे हैं तो आप जो है इस टीम के साथ जो है जा सकते हैं। तो ग्रैंड लीग में आप जो है सेम टीम जो है यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे सारे प्लेयर आपके लिए जो है एक अच्छी चॉइस जो होने वाली है। वहीं अगर फाइनल टीम का अपडेट होगा, कुछ लाइनअप में चेंजेज होंगे, उसके अपडेट जो है मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर आप लोग नहीं जुड़े तो जुड़ जाना, टेलीग्राम पे जुड़ना सभी भाइयों के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, तो इसलिए टेलीग्राम पे नहीं जुड़े तो जुड़ जाना। तो चलिए दोस्तों वीडियो यहीं खत्म करते हैं और आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।